हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नया नवेला में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, तो मैं सारे लोगों को यही रिप्लाई दे रहा था कि कम से कम फिजिकल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि कितने बच्चे रिजेक्ट हुए हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा यही बता रहा था कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही मेरे पास पूरा अच्छे से डाटा आता है मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का 16 तारीख को फिजिकल हुआ था, 17 तारीख को भी हुआ था, 23 24 को भी हुआ था, यहाँ 26 तारीख को भी हुआ था। इन सारे लोगों को देखने के बाद ये पता चला है कि कितने बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चों का यहाँ नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस ग्रुप का आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकता है और कितने नंबर वाले स्टूडेंट यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और साथ में ही आपको ये भी बताएंगे कि कितने नंबर वाले स्टूडेंट का यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप ई का सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है और इन लोगों का कॉल लेटर भी आ चुका है, लेकिन अभी इन लोगों का पीटी नहीं हुआ है। और बाकी जो बचे ग्रुप बी सी डी और एफ वाले का, इनमें मैं आपको बताता हूँ कि किनका आने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए का यहाँ आना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि इनका कट ऑफ अच्छा खासा हाई किया था और जो बहुत ज्यादा मार्क्स वाले लड़के थे वही लोग यहाँ पीटी में रिजेक्ट हुए हैं, और उसी के चलते यहाँ पे ज्यादा रिजेक्शन होने के चलते उनका यहाँ पे जल्द से जल्द सेकंड मेरिट लिस्ट लाया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे ग्रुप बी सी डी वाले का यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस बनता है, यानी 80 से 90% चांस बनता है कि उनका सेकंड मेरिट लिस्ट आए, और ग्रुप एफ वाले का थोड़ा सा कम बनता है क्योंकि इनका उतना ज्यादा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी इनका भी थोड़ा मोड़ा चांस बनता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप बी और सी से रिजेक्शन हुआ है, ये बहुत ज्यादा रिजेक्शन हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ओबीसी का 97 कट ऑफ किया था, जिनके मार्क्स 100, 105, 106 आ रहे थे, वो लोग यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ फिजिकल में वो लोग थोड़ा वीक पड़ गए हैं और वही लोग यहाँ रिजेक्शन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर वाले यहाँ पे वेट करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट आने का, तो मैं बता देता हूँ कि जो ग्रुप बी सी डी या एफ जो भी ग्रुप के लड़के हों, वो इस कट ऑफ के 5 से 10 नंबर का मार्जिन आप लेके चल सकते हैं कि अगर आपका इसके मार्क्स 5 से 10 नंबर कम आ रहा है तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, याद रहे कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, अगर आपका मार्क्स 70 से 75 भी आ रहा है तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद 85 नंबर भी आता है, और 85 से ज्यादा आता है नॉर्मलाइज करने के बाद तो आपका यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो वो लोग जिनके राउ मार्क्स 75 या 70 के आसपास आ रहे थे, वो लोग आशा कर सकते हैं कि उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो फ्रेंड्स, ग्रुप सी का भी वही है कि आप यहाँ आप 5 से 10 नंबर का आप मार्जिन ले सकते हैं, और ग्रुप डी में भी वही है, 5 से 10 नंबर का आप यहाँ पे मार्जिन लेके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये आश्चर्य होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट आप पूछिएगा कैसे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जो ग्रुप डी में यहाँ पे ओबीसी का 97 कट ऑफ मिनिमम गया है, यानी इससे ज्यादा नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, यानी 105 106 नंबर लाने वाले जो बच्चे थे वो फर्स्ट राउंड में यहाँ सेलेक्ट हुए थे पीटी के लिए, और वही लोग यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं। जब सेकंड मेरिट लिस्ट इसका आएगा तो इसका कट ऑफ 97 से कम जाएगा, यानी इसका कट ऑफ 90 या 85 तक आपका जा सकता है। जब इसका कट ऑफ 90 या 85 जाएगा तो जो लोग बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, यानी जिनका मार्क्स 97 या 97 के आसपास था, उनका यहाँ पे अगर सिलेक्शन हुआ है और वो पीटी क्वालिफाई कर गए हैं तो उनका यहाँ पे 100% चांस बनता है कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक प्रूफ नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। यहाँ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि पीटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, नो मार्क्स आर टू बी अवार्डेड, यानी यहाँ पीटी और पीएमटी था वो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी ये मार्क्स है वही ये फाइनल मार्क्स है, और यही मार्क्स आपका कम भी होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, और इस कट ऑफ को कम करके आपका सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी मार्क्स के आसपास या इससे 1-2 नंबर कम भी आपका है तो आपका यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप पीटी क्वालिफाई है तो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का यहाँ चांस बनता है कि अगर आपका लास्ट कट ऑफ भी आपका आ रहा है तो आपका यहाँ 100% सिलेक्शन होने का चांस है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें जिससे कि आप लोगों को भी पता चल सके कि कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चे यहाँ सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।